गुड इवनिंग सभी ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग प्रत्येक दिन 8 बजे संतोष बिहारी यूट्यूब चैनल पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं ट्वेल्थ में ऑप्टिक्स फिजिक्स पढ़ने के लिए। ऑप्टिक्स में हम लोगों का रिफ्लेक्शन समाप्त हो गया है, परावर्तन। अब हम लोग का रिफ्रैक्शन चल रहा है, जिसको अपवर्तन कहते हैं। आज हम लोग न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, डेविएशन एंगल फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं क्या है अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के लिए विचलन कोण। याद कीजिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए भी विचलन कोण पढ़े थे हम लोग, याद कीजिए। डेविएशन एंगल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के लिए अपवर्तन कोण, सॉरी विचलन कोण। उसी टाइप से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब रिफ्रैक्ट करता है लाइट, इसमें भी जिधर लाइट को जाना होता है उधर नहीं जाता है, विचलित हो जाता है। ये विचलन कोण हम लोग को पढ़ना है और उस पर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। तो देखिए, जो बच्चे नए हैं वो संतोष बिहारी फिजिक्स यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो करना है सो कीजिए। आइए हम लोग चलते हैं। डेविएशन एंगल फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के लिए विचलन कोण। देखिए, विचलन कोण क्या होता है आपको जाना चाहिए। सीधे या सीधे ना जाके चले गए इधर, तो आप क्या किए, विचलित हो गया किरण। जैसे आप आए हैं भागलपुर पढ़ने के लिए, आप आए भागलपुर पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ के नहीं, आप मोबाइल फोन पर आ गए गर्लफ्रेंड पटाने के लिए, तो क्या हो गए, आप अपने रास्ते से विचलित हो गए। यानी जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, जिधर आपको जाना चाहिए था, आप उधर ना जाके उससे डेविएट कर जाते हैं, विचलित कर जाते हैं। उसी टाइप से प्रकाश के साथ भी विचलन होता है, परावर्तन में भी हुआ था, अपवर्तन में भी होगा, वही विचलन कोण हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश किधर जाना चाहिए था उसको और चला गया किधर, उसके बीच का जो एंगल है वही होगा विचलन कोण। जाना चाहिए किधर, चला गया किधर, उसके बीच जो एंगल बनेगा वही एंगल है विचलन कोण, इंग्लिश में बोले तो डेविएशन एंगल। तो हम लोग इसका डिफिनेशन क्या बनाएंगे, द एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड डेविएशन एंगल फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। समझिएगा, द एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, प्रकाश के वास्तविक रास्ता, एंड एवं रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट,
प्रकाश के अपवर्ती किरण के बीच का कोण इज कॉल्ड कहलाता है डेविएशन एंगल, विचलन कोण फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के अपवर्तन के लिए। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। हिंदी में लिखेंगे अब, प्रकाश के वास्तविक रास्ता एवं प्रकाश के अपवर्ती किरण के बीच के कोण को अपवर्तन के लिए प्रकाश का विचलन कोण कहलाती है, इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो डेफिनेशन लिखिए। अब अपवर्तन जो होता है वह दो केस में होता है, लिखते रहना है, ऊपर मन से सुनना है। अपवर्तन जो होता है मेरे दोस्त वह दो केस में होता है। एक तो किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा सकता है, अर्थात विरल माध्यम से संघन माध्यम में जा सकता है। दूसरी बात क्या है, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जा सकता है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा सकता है। तो दोनों केस में विचलन कोण जो है वह अलग अलग होगा, यानी दो केस में यहां पर विचलन कोण अपवर्तन के लिए होगा, जबकि परावर्तन के लिए एक ही विचलन कोण का मान आया था, एक ही फॉर्मूला आया था। लेकिन अपवर्तन के लिए जो विचलन कोण होगा उसके लिए कितने फॉर्मूला आएंगे, दो दो फॉर्मूला आएंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन का हमेशा दो केस पॉसिबल हो सकता है। एक तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा सकता है, दूसरा डेंसर से रेयर में भी जा सकता है। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लें, दोनों ही बड़ा आसान से बड़ा बेसिक से आपको समझाने वाले हैं। और ये सब छोटी छोटी बातें पर क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछते ही रहता है, इसलिए बने रहें अंत तक, यही हम चाहते हैं आपसे और कुछ नहीं चाहते। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया। आइए दोस्त, तो केस फर्स्ट लिख रहे हैं, केस फर्स्ट, व्हेन रेज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब
प्रकाश की किरण, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। ये कैसे ले रहे हैं? यानी आपको ऊपर बनाना है विरल माध्यम, ये बना है आपका रेयर मीडियम, जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं, हिंदी में विरल ही लिखना पड़ता है। और नीचे जो है वह डेंसर मीडियम दे रहे हैं, यानी ये हवा है तो नीचे पानी हो सकता है डेंसर। इस दोनों मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वह डेंसर होता है। डेंसर को थोड़ा सा डेंस करके दिखा देते हैं, डॉटेड लाइन देके। डेंसर हिंदी में होता है सघन। डेंसर को हम लोग डी से दिखा रहे हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं सघन। अब आइए, कोई भी किरण आया, आया जाना चाहिए था किधर, इसको एकदम सीधे जाना चाहिए था, यही इसका है ओरिजिनल पाथ। हिंदी में इसको कहेंगे वास्तविक रास्ता, और ये है इंसीडेंस लाइट। हिंदी में इसको कहेंगे आपतित किरण। अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल एन से दिखाते हैं, हिंदी में नाम है इसका अभिलंब, अभिलंब या लंब। अब देखिए यार, ये नॉर्मल है तो आपको पता है रेयर से जब डेंसर में जाता है तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाता है, यानी ये है आपका रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या है ये? रिफ्रैक्टेड एंगल नहीं, लाइट। हिंदी में इसको कहते हैं क्या? अपवर्ती किरण। तो आप समझिए किसको विचलन कौन कहते हैं। डिफिनेशन क्या कहा था? प्रकाश की वास्तविक रास्ता एवं अपवर्ती किरण के बीच का कोण, अर्थात ये जो कोण है यही कोण है विचलन कोण। डेल्टा से दिखाते हैं, जाना चाहिए ये किरण को इधर, जाना चाहिए किरण को इधर, लेकिन किरण इधर न गया, किरण इधर चला आया, विचलित हो गया अपने मार्ग से। जैसे आपको आना था इधर, इधर न गए, चले आए इधर, तो इसका मतलब इतना ही तो विचलन हुआ। तो यह विचलन निकालना है आपको। पुरानी फिजिक्स जो जान रहे हैं आप लोग, इसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण, आई से दिखाते हैं, और ये जो एंगल है ये, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं, जिसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं, आर से। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है सुन लो, इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, आर से, छोटी आर से। हमको विचलन कोण निकालना है। एक मैथ का ज्योमेट्री पूछ रहे हैं, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा,
तो मेरे दोस्त देखो, यह लाइन सीधे गया है और फिर यह लाइन है। इसका मतलब यह जो एंगल है वही है ये एंगल, यानी आई जितना है वही है आर प्लस डेल्टा। जो एंगल ये है वही एंगल ये है, क्योंकि क्रॉस मार रहा है यहां पे। जो एंगल ये है आई है, तो यह एंगल इतना दूर तो आर हो गया प्लस डेल्टा, इतना दूर आर हो गया प्लस ये डेल्टा, यानी आर प्लस डेल्टा किसके बराबर है, आई के बराबर है। ये कहां से सीखे, ज्योमेट्री से। आइए लिखते इधर, बाय ज्योमेट्री, हिंदी में ज्यामिति से, ज्यामिति से क्या सीखे, आई बराबर है किसका, या तो चलिए आर प्लस डेल्टा बराबर है किसका, आई का। इस तरह से यहां पर विचलन कौन, आई माइनस आर हो गया, यानी किरण जब रेयर मीडियम से कहां जा रहा है, डेंसर में, रेयर से कहां जा रहा है, डेंसर में, यानी यह डेंसर और यह रेयर, किरण कहां जा रहा है, डेंसर, रेयर से डेंसर में, ये छोड़ो तो याद रखना, ये जब किरण रेयर से डेंसर में जाएगा तब क्या करना है, आई में आर को घटा देना है, वही होगा विचलन कोण। न्यूमेरिकल में आई दिया रहेगा, आर भी दिया रहेगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग विचलन कोण कह देंगे। तो इसको नोट कीजिए, मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिए तो यस बोलिए, ले लिया। अब किरण को डेंसर से रेयर में दे रहे हैं, केस सेकेंड, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हो, तो ऊपर में बना रहे हैं हम डेंसर मीडियम, ये रहा आपका डेंसर मीडियम, ये रहा आपका डेंसर मीडियम, और ये रहा, अब ये रेयर और डेंसर को अलग करने वाला इंटरफेस हो गया, और इधर हो गया रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर जिसको हम लोग कहेंगे सघन माध्यम, और ये हो गया रेयर जिसको हम लोग कहेंगे विरल माध्यम।
समझिएगा, गौर करने वाली बात है, कोई भी किरण मानो ऊपर में पानी है, ऊपर में पानी है नीचे हवा है, हो सकता है जो भी समझो, दो मीडियम है, ऊपर डेंसर नीचे रेयर। अब यह लाइट का ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा, इसका ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ, वास्तविक रास्ता। अब ये किधर जाएगा, इसके लिए सबसे पहले आपको बताए हैं क्या खींचते हम लोग, नॉर्मल। तो ये रह गया आपका नॉर्मल, एन से दिखाए, ये एंगल हो गया आपका आपतन कोण आई। अब यह देखिए डेंसर है और ये रेयर है, गाड़ी चला के देखना है या जो भी समझो, डेंसर से जब रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। एक तो जाना चाहिए, इसका यह वास्तविक रास्ता है, इधर ना जाके नॉर्मल से और दूर भाग जाएगा, यानी यह किरण ऐसे चला जाएगा इधर। यह जो रे है यही है रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्ती किरण। अब देखिए ओरिजिनल पाथ ये हो गया और यह जो एंगल है इसको रिफ्रैक्शन कौन कहेंगे, यह तो रिफ्रैक्शन हो गया। अब विचलन कौन के डिफिनेशन से, प्रकाश की किरण के वास्तविक रास्ता एवं अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है, ये कोण ये डेल्टा कहलाता, ये डेल्टा कहलाता है। अब तुम देखिए, देखो ये पूरा है R, पूरा है R और इतना सा है डेल्टा, ये कितना होगा ये बताइए, पूरा है R, ध्यान से देखिए पूरा है R और ये है डेल्टा, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये पूरा है R, ये है डेल्टा, तो ये कितना होगा, तो R में अगर ये डेल्टा को घटा देंगे तो वही है ये, यानी ये है आपका R माइनस डेल्टा। अब देखिए ज्योमेट्री से जो एंगल ये है, अभी तुरंत आगे भी किए थे देखो, और इसको भी देखो, का मतलब जो एंगल ये है वही एंगल ये है, यानी आई जी बराबर है आर माइनस डेल्टा का, आई जी बराबर है आर माइनस डेल्टा का। ज्योमेट्री ध्यान से समझिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पूरा है आर ठीक है और ये है डेल्टा ठीक है, तो पूरे में डेल्टा घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस डेल्टा। अब यह एंगल जो है वही है ये एंगल, इसका मतलब आई जी बराबर है आर माइनस डेल्टा का। आइए फिर से लिखिए, बाय जियोमेट्री, ज्यामिति से, ज्यामिति से दोस्त हम लिख सकते हैं I किसके बराबर है यहां पे, R माइनस डेल्टा का, तो इस तरह से ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा R, ये I प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। तो समझ में आ गया कि जब डेंसर से रेयर में जाएगा तब R माइनस I, जब रेयर से डेंसर में जाएगा I माइनस R, कोई दिक्कत, यानी सीधा जो बड़ा होगा, देखो यहां पर आई बड़ा है नहीं, हाँ आई बड़ा, सॉरी आर यहां बड़ा है, ज्यादा है आई कम है, बड़ा वाले में छोटे वाले घटा दे, वहां पर भी वही था, ऐसे करके याद रख सकते हो।
तो इसको नोट कीजिए फटाक से। फिर इस पर क्वेश्चन देखते हैं। पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को बनाते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लिया। आज हम लोग क्या पढ़े, आज पढ़े हम लोग डेविएशन एंगल फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हिंदी हुआ इसका प्रकाश के अपवर्तन के लिए विचलन कोण, जिसको डेल्टा से दिखाते हैं। इसमें दो केस में फार्मूला पढ़े, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है, अर्थात रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तब विचलन कोण डेल्टा बराबर फार्मूला आई माइनस आर। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। फिर दूसरा केस में जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से संघन मीडियम को जाता है, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तब डेल्टा बराबर फॉर्मूला था R माइनस I। तो ये दोनों फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाएगा। या तो समझो जो एंगल बड़ा होगा उसमें छोटा वाला घटा देंगे, वही होगा विचलन कोण। आइए, एक क्वेश्चन देने इन द गिवन फिगर फाइंड द डेविएशन एंगल ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन। दिए गए चित्र में अपवर्तन के बाद प्रकाश का विचलन कौन ज्ञात करें। तो निकालना है आपको विचलन कौन, ये रहा आपका क्वेश्चन। मानिए ये है आपका रेयर मीडियम और ये है डेंसर, विरल माध्यम संघन माध्यम। किरण आया, किधर जाएगा उसके लिए क्या करना है, नॉर्मल नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया आपका। और जाना चाहिए था किरण को इधर, ओरिजिनल पाथ हो गया, गया नहीं, चला गया इधर। तो ये एंगल जो है आपका आई है 60 डिग्री, और ये जो आर है ये है 30 डिग्री। तो ये डेल्टा कितना होगा ये निकालना है। मेरे दोस्त आप जानते हैं, वी नो, आप लोग जानते हो किरण कहाँ से जा रहा है, रेयर से डेंसर में। तो डेल्टा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, कौन बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये आई हो गया और ये आर, इसलिए जानते फॉर्मूला आई माइनस आर, या बड़ा में छोटा को घटा दो। बड़ा कितना है 60,
60 माइनस 30 आंसर क्या हो जाएगा, विचलन कौन 30 डिग्री। कितने डिग्री से लाइट विचलित कर गया, 30 डिग्री से। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कीजिए। एच डब्ल्यू फिर दे देते हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। एच डब्ल्यू दे रहा हूं अब, एच डब्ल्यू बना के व्हाट्सएप पर भेजिएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त भेजते हैं आप, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे तरफ से। जो नहीं बनाते हैं उसको भी है, लेकिन वो भी बनाइए बनाइए, एकदम बनाइए। यही सब चीज पूछता है। अच्छा रिजल्ट अगर लाना है तो निश्चित तौर पर आप लोग बनाइए। ये दे दिए आपका डेंसर मीडियम, और ये दे दिए आपका रेयर मीडियम। किरण आया, जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगा, यहां नॉर्मल पहले खींचिए। यह नॉर्मल है, ये एंगल आई है, और ये और फैल जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। ये हो गया विचलन कोण डेल्टा, यही निकालना है। ये मान के चलिए है आपका आई 37 डिग्री, और ये जो है आर, ये दे दिए आपको 53 डिग्री। आपको निकालना है कितना विचलित हुआ, विचलन कोण। जल्दी से नोट करें और विचलन कोण निकाल के दिखाएंगे। एक एच डब्ल्यू हो गया ये, और भी देता हूं। इसमें क्या निकालना है आपको कि डेल्टा कितना होगा, ये विचलन कौन लिख लिया इसको फटाक से। नेक्स्ट एच डब्ल्यू, दूसरा दो मीडियम हो गया, ये रेयर और ये डेंसर। रे आया, किधर जाएगा, नॉर्मल खींचे, जाना चाहिए था सीधे, सीधे नहीं गया, मुड़ गया। ये एंगल है आपका 60 डिग्री, और यह विचलन कोण जो है ये है 30 डिग्री, यानी ये डेल्टा दे दिए इस बार 30 डिग्री। तो यह अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यानी आर कितना होगा ये निकालना है। तीसरा तीसरा ये आपका हो गया रेयर, ये हो गया डेंसर। किरण आया, जाना चाहिए था इसको सीधे, सीधे नहीं गया, नॉर्मल खींचे आप, ये रहा नॉर्मल। ये एंगल चला गया किरण इधर, ये दे दिया आपको 30 डिग्री, और ये भी है आपका 30 डिग्री। आई का मान कितना होगा यह निकाल के बताना है। तीसरा क्वेश्चन, ये रहा डेंसर और ये रहा रेयर। किरण आया, नॉर्मल खींचे,
ये किरण को जाना सीधे चाहिए था, सीधे नहीं गया, नॉर्मल से दूर भागा। ये हो गया डेल्टा, ये है 30 डिग्री और ये दे दिए हैं 60 डिग्री। कभी नहीं होगा ये 60, ये 30 डिग्री है और ये है 20 डिग्री। आपको बताना है कि ये आर कितना होगा। चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा डेंसर और ये रहा रेयर। किरण आया, नॉर्मल खींचे, जाना सीधे चाहिए था, सीधे नहीं गया, दूर फैल गया। ये एंगल है आपका आर जो है रिफ्रैक्टेड एंगल, ये दे दिया आपको 60 डिग्री। ये छोड़ो, ये विचलन कौन दे दिया आपको 30 डिग्री। और आई निकालना है और ये भी दे दिया आपको 60 डिग्री। 60 नहीं, चालीस डिग्री। ये आई कितना होगा ये निकालना है। तो ये 4HW है। आप लोग फिगर के साथ बना करके कॉपी पर बनाइएगा और फोटो खींच के आप हमें अपना पर्सनल व्हाट्सएप पर, ग्रुप पर नहीं, ग्रुप में नहीं, पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए मेरे दोस्त। आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आराम आराम से आपको सिखाते हुए जा रहे हैं सारा चीज, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, बस जैसे साथ दे रहे हैं आप उसी तरह से मेरा साथ निभाते रहिए। धन्यवाद। आज का क्लास ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, स्लो स्लो ही चलने दीजिए। अभी बहुत हालत ख़राब है भागलपुर का, घर में रहें, सुरक्षित रहें और मन लगाकर पढ़ें। जितना बताया गया है उतना जरूर करें, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ केवल रिजल्ट को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है। मेरे द्वारा जो पढ़ाई आप लोग को दिया जा रहा है इसका अनुसरण कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। पिछले साल भी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया था और इसी दोनों चैप्टर से मोर देन 70% मार्क्स आया था। ये जो पढ़ाई है इस बार का ये इसी बार के लिए लागू होगा। हम हर एक साल कुछ न कुछ बदलते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो पढ़ा रहे हैं उसको मन लगा के पढ़िए, दिग्भ्रमित नहीं होइए, नहीं तो पूरा फिजिक्स अथा महासागर है। ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं वो सफिशियंट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस को मद्दनज़र रखते हुए और एग्जाम की टेंडेंसी को मद्दनज़र रखते हुए, कोरोना जैसे सिचुएशंस को मद्दनज़र रखते हुए बोर्ड के लिए सो मच इम्पॉर्टेंट जो है वो सिलेबस के अंतर्गत जो है उस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मेरे द्वारा पढ़ाया गया सभी आपके लाइफ के लिए छोटी छोटी बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके रिजल्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप अपना दिमाग ना चलाएं क्या आएगा नहीं आएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ते रहें, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर वॉचिंग मी, और मजा कर लीजिए, इसी तरह से एंजॉय कीजिए। डेली एक घंटा क्या लगता है, आके समय दीजिए हमको, मैं पढ़ा रहा हूँ। आप जो आपका जो लॉकडाउन है बाधा, इसको अवसर में बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबको खेलने दीजिए ना, आप लोग पढ़िए ना। धन्यवाद। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।